नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट आई चैनल की तरफ से रमेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में, जहां की डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं ने एक नाम चर्चा का आयोजन किया हुआ है। तो सीधे इनसे बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरुजी के बारे में। तो हमारे साथ एक सज्जन है जी। सर अपना नाम बताएं। प्रमोद एडवोकेट मेरा नाम है, प्रमोद इंसा एडवोकेट, और मैं यहीं पे ग्रेटर नोएडा, यहीं अपना निवास है जी, यहीं पर रहते हैं। ग्रेटर नोएडा से प्रमोद जी एडवोकेट हैं। प्रमोद जी, जैसा कि मीडिया ने और कुछ यूट्यूब चैनलों पे भी हमने देखा था कि आप एक एडवोकेट हैं, तो उन्होंने दिखाया था कि डेरा सच्चा सौदा के साथ जो लोग जुड़े हैं वो अनपढ़ हैं या फिर सीधे साधे लोग ही जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है जी कि पढ़े लिखे ही अनपढ़ ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा एक मानवता भलाई का कार्य करते हैं, और इसमें सभी पढ़े लिखे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट भी बहुत हैं। और फिर गुरु ने जो एक गुरु किसी ने बनाया है, तो रूहानियत में गुरु भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना भी जीवन खाली है, गुरु ही हमें चलाता है। सबसे पहला गुरु माँ बाप हो गए, फिर उसके बाद में अध्यापक हो जाते हैं, और जो रूहानियत, जो ज़िंदगी को चलाने वाला गुरु है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप डेरा सच्चा सौदा संस्था से कब जुड़े और कैसे जुड़े? हम डेरा सच्चा सौदा से हम 2000 सन में हम नाम लिया। हमारे ताऊ जी थे साथ में, पाले राम जी इंसा, उन्होंने, उनके साथ में हमारा आना जाना हो गया, तो ताऊ जी वहाँ पे हमें ले गए। हमें पता नहीं था यहाँ, तो वहाँ साथ संगत को देखा, गुरु मंत्र जो गुरु ने हमें दिया उसका जाप करा, तो जाप करने पे, जो 10-10 मिनट भी जाप करने पे, हमें अंदर से खुशी महसूस होने लगी। माँ बहन की इज्जत करना सीख गए, और गलत कामों से परहेज करना सीख गए हम, और गुरु से, और इससे बड़ा गुरु ने हमें, और इतने बड़ा तोहफा जो हमें दिया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। डेरा सच्चा सौदा, जैसा कि मानवता भलाई के आप संगत ने हमें यहाँ पे, जो आप लोग संगत बोलते हैं, साथ संगत बोलते हैं, बताया कि 135 कार्य करती हैं। अभी भी दो कार्य और जुड़े हैं, वो उन दो कार्यों के आप के बारे में आप बताएं, कौन से कार्य अभी जुड़े हैं? ये अभी अभी जो बहुत ही जल्दी गुरुजी ने किया है, बहुत ही जो दो कार्य जोड़े हैं, एक तो मास्क के लिए कि मास्क जो है बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य कर दिया है, और दूसरा वैक्सीन लगाने के लिए। वैक्सीन से जो जैसा हुक्म होता है गुरु का, उसी हिसाब से संगत भी सभी फॉलो कर रही है, और आगे भी हम सभी भाई बहनों से ये निवेदन करेंगे कि भाई वैक्सीन ज़रूर लगाओ, और बाहर भीतर घर पे जहाँ भी हो मास्क का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसा कि अभी रोग जो है ये ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमारे गुरु का हुक्म है जी, हम गुरु के हुक्म के अनुसार ये पूरी करेंगे सेवा भी, और भाई बहनों को भी ये प्रेरित करेंगे कि आप जो है मास्क लगाएं और वैक्सीन ज़रूर ज़रूर लगाएं। अभी जो आपने ये दो कार्य बताए, तो क्या ये दो कार्य गुरुजी ने, जैसे गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, तो गुरुजी ने वहाँ से आपको दो कार्यों के लिए प्रेरित किया, या फिर ये डेरा सच्चा सौदा कमेटी की ओर से बताया गया आपको? ये गुरुजी का पत्र आया है जी, पत्र के हिसाब से ही हमने सभी ने ये, और डेरे ने सभी ने सलाह विचार करके, गुरु के हुक्म को ही मानना सबसे बड़ी मान है, गुरु की मान्यता सबसे ज़्यादा है, गुरु ही भगवान, हमने कभी भगवान को तो देखा नहीं है, हमने गुरु के रूप में ही भगवान को माना है, और गुरु वो चीज़ है कि जो दोनों जहाँ के लिए मददगार है हमारे लिए। महिलाओं की बात आती है कि आज समाज में महिलाओं के जो बारे में सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत ही सोच लोगों की बदल चुकी है, डेरा सच्चा सौदा महिलाओं के लिए या गुरुजी ने महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे कौन से कदम उठाए हैं? गुरुजी ने तो बहुत ही बढ़िया चलाया जी कदम, जो माँ बहनों की इज्जत करना सीखाना,
और मानवता भलाई के कार्य जो चल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। बहन बेटी के लिए डेरे में चले जाते हैं, लाखों करोड़ों बहनें होती है, बहन बहनों के हिसाब से अलग है, भाइयों के हिसाब से अलग है, सारा सब कुछ अलग अलग सिस्टम है। डेरे में भी हमने देखा है वहाँ जाके, तो वहाँ भी बहुत ही अच्छा जो है बहनों के लिए सहयोग और उसकी बात बताई गई है। एक तरफ डेरा सच्चा सौदा गुरुजी ने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, फिर ऐसा क्या कारण बना कि उन पर वही महिलाओं के लिए आरोप लगाए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई जी, ऐसा है, जितने भी संत महात्मा इस धरती पर आए सभी पे ही जो है लाशन तो लगते आए हैं, दोष तो लगते आए हैं, क्योंकि जो सच्चाई होती है सच्चाई पे ही दोष लगता है, झूठ पे तो कभी दोष ही नहीं लगता। झूठ तो हमेशा झूठ ही बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं है वो। और सच्चाई जो गुरु ने चारों तरफ माँ बहन की इज्जत करना सिखाया, हम जैसे नए लड़के को शराब कबाब से बचाया, गलत कामों से बचाया, तो जितना हम उनका धन्यवाद करें करोड़ों बार उतना कम है। इसी के सहारे हमारे भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, ये समझो ये पीढ़ी तो हमारी जो मालिक गुरु के माध्यम से ही, डेरा सच्चा सौदा के माध्यम से ही हमें जो है ये जीने की राह मिली है। और सही हमारा जो अपना जीने का हमने रूहानियत में बहुत ही, मैं करोड़ों बार उनका धन्यवाद करता हूँ ऐसे गुरु का, कि जिन्होंने हमें मानवता भलाई के कार्य और माँ बहन की इज्जत करना और ये शराब कबाब पीना ये सब हमारा बहुत ही बचा दिया उन्होंने। 2017 के बाद क्या डेरा श्रद्धालुओं की गिनती में कमी आई? 2017 के बाद कमी तो नहीं थी, कमी तो नहीं है, अब तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी बरनावा आश्रम में हमने देखा थी, मेरे ख्याल से चार पाँच लाख से ऊपर ही संगत थी बरनावे आश्रम भी। और अभी पंजाब में भी सत्संग हुआ था, तो वहाँ भी 24 लाख कितने जो संगत थी, बहुत ही ज़्यादा सात संगतों और ज़्यादा जुड़ती जा रही है, क्योंकि ये सच्चाई है, सच के साथ में सब जुड़े। और सभी भाई बहनों से भी निवेदन है कि हम यहाँ आत्मा परमात्मा से मेल करने के लिए आए हैं, यहाँ पे सभी के हम यहाँ लगे हुए हैं, खाने बनाने सोने और बस अपना खाते पीते सो जाते हैं। यहाँ हम जो रूहानियत की जो गुरु ने हमें ये सिखाया कि सभी की माँ बहन की इज्जत करो, अपना घर पानी घर बार भी देखो, ये नहीं है घर बार भी छोड़ना, सारा कुछ करना, तो गुरु ऐसा गुरु हमें मिलना मुश्किल है जी जैसे हमें मिला है। हम उनका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, लाखों बार धन्यवाद करते हैं जी। गुरु जी के जाने के बाद समाज में, नशों में और आम जनता में गुरु जी के जाने के बाद क्या अंतर आया है? अंतर तो कुछ नहीं है भाई जी, लेकिन अंतर भी बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अंदर से फिर ये सभी को पता लगा कि गुरु क्या चीज़ है। गुरु को जाने के बाद ही पता लगता है कि गुरु क्या चीज़ है, गए नहीं है वो हमारे हृदय में है, वो हर समय हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे ही, उनकी लिख बोल के हम वर्णन नहीं कर सकते उनकी खुशी का, उनके प्यार का, जिन्होंने हमें, गुरु ने हमें ऐसा रूहानियत का पाठ पढ़ाया हम लिख बोल के वर्णन नहीं कर सकते। अभी जैसे गुरुजी नहीं हैं तो आप समाज से, सरकार से, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे उनके बारे में? बस यही अपील करना चाहते हैं जी कि सच को देखो, सच पे आंखें खोलो, जो सच गुरु मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, जो एक दूसरे की इज्जत करना सिखा रहे हैं, जो आपस में प्रेम प्यार सिखा रहे हैं, वो गुरु है। चाहे कोई एविडेंस गलत बता रहे, गलत है कोई है, लेकिन जीत जो सच्चाई की होगी, चाहे कोई कितने भी झूठे इल्ज़ाम लगा ले, झूठा फंसा ले, लेकिन जीत सच्चाई की होगी और बहुत जल्दी होगी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से आज सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। धन्यवाद करते हैं प्रमोद जी। धन्यवाद जी। तो द फैक्ट आई चैनल टीम की तरफ से मैं रमेश कुमार धन्यवाद करता हूं प्रमोद जी का और कैमरामैन जपनूर के साथ।